तो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं खेतों में घूमने। पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, ये सामने भी पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डुबल एंड रुचि व्लॉग्स में। तो अभी का सीन ये है गाइस, ये देखिए 9:03 हो गए हैं सुबह के। तो कल रात हम मासी जी के घर पे ही रुक गए थे, सारी रात यहाँ पे बिजली गुल ही रही है और बारिश पड़ती रही है। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है बारिश की वजह से, सारी रात बारिश होती रही है। ये देखिए हम बाहर ही बैठे हैं, वो रुचि बैठी हुई है बाहर ही, एकम भी है बाहर, वो छोटी बेटी है गगन की लड़की, वो भी बैठी हुई है, बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं अभी। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, कल गर्मी थी अब ठंड हो गई है। तो बच्चे बाहर आ गए हैं जी सुबह सुबह खेलने के लिए। हवा देखिए कितनी ज़्यादा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ पड़ा आज। तो ये क्या कर रहे हो, चाय दूध भी लिया? चल बांटते हैं घर पे बीच में, पकड़ तो पाएगी, पकड़ ली भाई, किरण आज आज शुरू कर लेंगे। बॉल कहाँ है तुम्हारी, बॉल कौन खड़ा होगा फिर, हो रही बॉल साइड पे, बॉल खड़ी होगी क्या, क्या खेलना, क्या खेलो, चलो मुझे किरण की मदद चाहिए। अच्छा मोटरसाइकिल आ गया। तो हे गाइस, एकम को लेके बाहर बैठ गए हैं, ये भी सारी रात सोया नहीं है, अब इसको नींद आ रही है, पटेल सो नहीं रहा अभी। मौसम तो काफी ठंडा हो गया बाहर, हां मौसम ठंडा, गर्मी लग रही है, बढ़िया मौसम हो रखा है। आओ तेरे को खेत घुमा के लाता हूँ, पीछे खेत है घर के। चलो तो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं खेतों में घूमने, इनको भी लेके जा रहे हैं, आ जाओ। हवा देखो कितनी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया है, आ जाओ खेतों में। यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी होंगे, कोई बात नहीं। ये देखो जी खेतों में हवा ही चल रही है बड़ी अच्छी, एकम को मैंने उठा लिया। एकम सो क्यों नहीं रहा? तो हे गाइस, अभी रुचि तो आ गई, यहाँ पे बैठ गई है। ये भी बहुत सुंदर मौसम लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ये भी हमारे घर की सीढ़ियाँ जी, ये साइड से भी रास्ता है। ये देखिए पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, ये सामने भी पॉपुलर के पेड़ लगे हुए, वो देखिए बहुत ज्यादा हवा चल रही है। कल कितनी गर्मी थी, आज कितनी ठंड हो गई है ना, कल बहुत गर्मी थी, एकदम से चेंज हो गया, बारिश होगी ना उससे ठंडा हो गया। अभी फाइनली हम लोग नाश्ता बनाने लगे हैं, ये भाभी जी ने आज आलू बनाया है ना, भाभी जी दिखाओ आलू, ये देखो आलू बनाया और साथ में वहां पूरियां बन रही है, देखिए अब नाश्ता करेंगे फटाफट से, बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लाइट नहीं है, तो हम लोग सुबह से जाग रहे हैं, 6:30 उठ गए थे ना भाभी, 6:30 से हमें इतनी जोर से भूख लगी हुई है, तो भाभी अब नाश्ता बना रहे हैं, बस फटाफट से नाश्ता करते हैं। भूख लगी आपको सीरत? यस जी। उधर क्या कर रही है? पूरियां बेल रही हो, देखो ये पूरियां इधर बेल रही है। हाँ मैं ना, मैंने ये वाला ना, ये वाला बेलन पहले टाइम फर्स्ट टाइम यूज किया, देखो ये कैसा बोले इतना पतला, हाथ से फिसली जा रहा है। अच्छा पूरी बन इधर रही है तो बेल उधर रही है, ये क्या चक्कर है, ये होता है कुछ। मैंने कहा पता नहीं क्या उधर खा रही है शायद पूरियां को। Lately, I've been lying to myself. No, I need. तो हे गाइस, फाइनली हमारी पूरी बन के आ गई है और बच्चों ने खानी शुरू कर दी है। ये देखिए सब्जी आपको दिखा देते हैं, आलू की ये पूरी है हमारी, तो बच्चे खा रहे हैं। कैसी बनी है बच्चों? बहुत अच्छी है। चलो बच्चा मत उठा देना, एकम सोया है, आहिस्ता ही बोलो। तू नहीं खा रही, तू सूखी खा रही है, आलू की सब्जी नहीं खाएगी साथ में? मुझे मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है तो मोबाइल क्यों पकड़ के बैठी सुबह सुबह? तो सारा दिन मोबाइल देखती रहेगी ये। अब बच्चों की भुजिया पार्टी चल रही है, सब बच्चे भुजिया खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, देखिए ये अपना अपना खा रहे हैं, ये भी खा रही है पैकेट, इसके पास भी है अपना पैकेट, वो खा रही नहीं है, उसके पास भी है, वो रुक के खाएगी, उसने पूरी ज्यादा खाई हुई है, मैंने भी जो ज्यादा, तू भी खा रही है, मैंने भी जो ज्यादा खाई हुई है, मैंने बस सूखी खाई है। ये खेलेगा बॉल के साथ, खेलेगा तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, ये देखिए दोपहर के 1:47, तो अभी हम अपने घर पे जा रहे हैं,
यहाँ से निकलेंगे, अभी सबसे मिल लेते हैं तो फिर आपको मिलेंगे घर पे। तो चले भाई, चलो जी, चंगा, प्रणाम 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 करो सबको। चल पानी रेडी हो गई है, आगे ओके, फिर आएंगे, फिर आएंगे बेटे, फिर आएंगे। कल कल के यहीं पे थे ना। चलो भाई अब चल पड़ो, क्या क्या करे जा रहे हो यार, चलो अब। बच्चे मिल रहे हैं भाई को, भाई को मिल रहे हैं। चलो तो हे गाइस, अभी का सीन ये है जी, शाम के बज चुके हैं, ये देखिए 6:04। तो घर हम पहुंच गए थे जी 3 बजे के करीब, लेकिन रात का इतना थके हुए थे, इतनी नींद आई थी ना, जोरों से इतनी नींद आई हुई थी, आप ही सो गए। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया भी, अभी इतनी भूख लग रही है हम लोगों को, क्योंकि रात को 4 बजे तक हम लूडो खेलते रहे हैं। तो फिर आपको पता है 5:30 ही सोए थे हम, और 5:30 सो के 7:30 फिर से उठ गए थे, तो इसलिए नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अभी 2-2.5 घंटे सो के ना ठीक लग रहा है हमें थोड़ा सा। तो घर पे आके ये तो आते सार ही सो गए जी दोनों जाने। तो बानी को भी लग रहा था फीवर है, अभी चेक किया है, लेकिन फीवर नहीं है, ऐसे 97.2 आया है, नॉर्मल ही आया जी, पर लग रहा था बॉडी गर्म लग रही थी, इसलिए इसको चेक कर लिया है। ये भी ये देखिए पीछे कैसे शरारतें कर रहा है। तो अभी उठे हैं जी, चाय वाय पियेंगे। तो हे गाइस, अभी हम रखने जा रहे हैं चाय और बच्चों के लिए दूध। बानी दूध पिएगी, पहले बच्चों के लिए दूध बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। पहले बच्चों के लिए दूध बनेगा जी, फिर हम चाय पियेंगे। चलो बना लो फिर, आप पहले दूध बना लो। ये कौन? हाँ अमूल का दूध है ना। हाँ अमूल का दूध है, बड़ा मीठा मीठा होता है, टेस्टी होता है बहुत ही। ये बानी के लिए? हाँ जी, बानी के। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, अभी हम आ गए हैं बाहर, चाय वाय पी ली है। तो बाहर का मौसम देखिए कितना खतरनाक हो चुका है, ये देखिए पूरे बादल हुए रखे हैं, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। कल से ही मौसम बहुत खराब हो रखा है ना, कल से सुंदर हो गया यार, बढ़िया हो गया। एक दिन पहले कितनी गर्मी थी, अब कितना बढ़िया हो गया। मानी फीवर ठीक है अब तेरा? दर्द तो नहीं हो रही? ये देखो जी, ये कैसे ये तुराने की कोशिश कर रही है इसको, ये आलसी है बच्चा हमारा, तुरता नहीं है। इधर को ले आ वापिस, इधर को ले आ, ध्यान से गाड़ी आ रही है, ले आ ले आ, इधर को आ जा, आगे आगे आ जा। स्कूटरी पकड़ के खड़ गया ये देखिए क्या कर क्या रहा है, इसकी अलग ही चलती रहती है ना ये इसको खाएगा आप देखना, ये लोहे के ना, ये नीचे ये इधर बैठ गया। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, कम मेरे ये देखिए पेट पे सोया हुआ है आराम से। क्या हुआ, क्या हो गया, थक गया खेल खेल के, ये खेल खेल के थक गया काफी। बानी को भी बहुत तंग करता है क्या, इधर इनको बता के आप चक्कर क्या आते हो, क्या चक्कर है बता इनको, भूख लग रही है इसको है ना। तो हे गाइस, अभी का सीन ये है, रात की रोटी की तैयारी हो रही है। रात की रोटी में बनाएंगे ये राजमा बनाओगे आज? तो बाहर तो इतनी ज्यादा फिर बारिश होने लग गई है, बत्ती फिर चले गई है। तो गाइस पिछले 2 दिन से बत्ती गुल ली हमारी, अब फटाफट से तू ऐसा कर खाना बना ले, ये ना हो कि बत्ती आए ना मुड़ के, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है बाहर। तो गाइस खाना हमारा तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। तो गाइस हमारा खाना तैयार हो चुका है, आपको दिखा देते हैं। आज हमने बनाया हमारे फेवरेट राजमा चावल। आज काफी दिन के बाद हमने राजमा चावल बनाए है ना, ये देखिए राजमा और चावल। तो भूख तो बहुत लगी हुई है, अभी सबसे पहले राजमा चावल खाएंगे। और टाइम हो गया 9 बजे हैं जी रात के अभी। तो कल रात हम सोए नहीं अच्छे से, 4 बजे तक लूडो खेलते रहे हैं, उसकी वजह से काफी थकावट हो गई थी। दोपहर को आके भी हम सो गए थे, अब खाना खाएंगे और आराम से जल्दी सो जाएंगे। आज लेट मत करिए। नहीं नहीं, आज रेस्ट कर लेनी है प्रॉपर, क्योंकि ना सिर में बहुत दर्द हो रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, सिर भारी भारी हुआ पड़ा है, और कल से ही बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, बत्ती भी गुल हो रखी है, बत्ती तो आ रही है जा रही है, इसलिए इन्वर्टर पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंडिंग करेंगे और आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।